हरियाणा के नूह जिले में सोमवार दोपहर को हिंदू संगठनों की ओर से आयोजित नूह में ब्रजमंडल क्षेत्र की जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा हो गई। बवाल उस समय शुरू हुआ जब नूह के नलहड़ स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद यात्रा गांव सिंगार की ओर जा रही थी। इस दौरान समुदाय विशेष के सैकड़ों लोगों की भीड़ ने शोभा यात्रा में पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, देखते ही देखते आगजनी और फायरिंग भी शुरू हो गयी। हिंसा नूह के खेड़ला चौक के पास दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें गुरुग्राम से करीब 2000, रेवड़िया से करीब 500 और अन्य जिलों को मिलाकर करीब 5000 लोग यात्रा में शामिल हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं थीं। जब शोभा यात्रा में समुदाय विशेष के लोगों ने हमला बोला तो यात्रा में शामिल लोग बचने के लिए मंदिर परिसर की ओर भागे तो उन्हें दौड़ाकर पीटा गया। दर्जन भर से अधिक लोगों को चोट लगी है, जिसमें कई महिलाएं भी घायल हैं। इस दौरान करीब 3000 लोग मंदिर में छिपे रहे और बाहर हिंसा का तांडव चलता रहा। ये लोग लगभग 7 घंटे तक वहीं छिपे रहे। इस दौरान पुलिस को सूचना भी की, लेकिन 7 घंटे के बाद पुलिस वहीं पहुंची और लोगों को बाहर निकाला गया, तब जाकर उनकी जान बची। इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों के मारे जाने की खबर है।